नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। बिहार में गर्मी का मौसम जो है आने लगा है और ऐसे में चमकी बुखार को लेकर कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दी गई है। बिहार समेत विश्व में कोरोना महामारी का कहर जारी है और अब एक दूसरी बीमारी ने सरकार की परेशानी में डाल दिया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में AES की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पिछले साल कोरोना और AES के वजह से लीची व्यापार पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने गुरुवार को यानी कि पिछले दिनों 3 टीमों के साथ मुजफ्फरपुर पहुंचे और पूरा दिन जिले में गुजारा। प्रधान सचिव खुद फील्ड विजिट में कांटी गए, जहां PSC के निरीक्षण के बाद प्रभावित गांव भी पहुंचे। गांव में उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और बीमार बच्चों को नजदीकी अस्पताल ले जाने के ट्रांसपोर्ट का जायजा लिया। इस दौरान प्रधान सचिव ने कहा कि जिले में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही बच्चों को अस्पताल पहुँचाने वाले निजी गाड़ियों को इसका किराया नगद में देना होगा। आपको बता दें कि प्रधान सचिव के साथ ही अन्य टीमों में मीनापुर, सकरा, मुरैल, कुर्नी आदि इलाकों में ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए इसके साथ ही उन्होंने हालात का भी जायजा लिया। इसके साथ ही टीम ने SKMCH जाकर AES के लिए बताए गए पीड़िता ICU का जायजा लिया। इसके अलावा AES ट्रीटमेंट सेंटर और सदर अस्पताल का भी इलाज व्यवस्था का निरीक्षण किया और अंत में शाम को जिला समाहरणालय सभागार में प्रधान सचिव ने मुजफ्फरपुर और आसपास के 12 AES प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान प्रधान सचिव ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और जागरूकता अभियान तेज करने और बीमार होने वाले बच्चों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुँचाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि स्कूलों में चेतना सत्र के दौरान AES और इसके बचाव पर बच्चों के बीच चर्चा की जाए। साथ ही सभी पदाधिकारियों को एक एक पंचायत गोद लेने को भी कहा है। बच्चों को पोषण एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश भी उन्होंने दिया। प्रदेश में AES बीमारी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अभी से ही सजग हो गया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के 12 जिलों में गर्मी के मौसम में AES प्रकोप हर साल आता है। वर्ष 2019 में तो मुजफ्फरपुर में लगभग 150 बच्चों की मौत हुई थी। इस वर्ष बीमारी से बचाव के लिए सरकार काम कर रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि गर्मी आने से पहले अब बिहार सरकार किस तरह की रणनीति बनाती है और इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए किस किस तरीके का इजाद करती है। आइए एक नजर डाल लेते हैं, आखिर चमकी बुखार है क्या? चमकी बुखार वास्तव में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES है। इसे दिमागी बुखार के रूप में भी जाना जाता है। यह इतनी खतरनाक है कि रहस्यमयी बीमारी है कि अभी तक विशेषज्ञ भी इसका सही पता नहीं लगा पाए हैं। चमकी बुखार में वास्तव में बच्चों के खून में शुगर और सोडियम की कमी हो जाती है। सही समय पर उचित इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत भी हो सकती है। गर्मियों में तेज धूप और पसीना बहने से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इस वजह से डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, सिरदर्द, थकान, लकवा, मिर्गी, भूख में कमी जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। यह बीमारी शरीर के मुख्य नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और ज़्यादा गर्मी एवं नमी के मौसम में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम के फैलने की रफ्तार बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में इसकी तीव्रता और भी अधिक बढ़ जाती है। तो ये थे इंसेफलाइटिस यानी कि चमकी बुखार को लेकर एक रिपोर्ट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।